हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल के बारे में। तो दोस्तों, बिपिन चंद्र पाल के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। इतिहास की प्रसिद्ध तिकड़ी लाल बाल पाल की तिकड़ी में पाल बिपिन चंद्र पाल ही थे। बिपिन चंद्र पाल ने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में बहुत से प्रभावशाली नेताओं के साथ काम किया था। इनका पूरा नाम है बिपिन चंद्र रामचंद्र पाल और इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1858 में। बिपिन चंद्र पाल का जन्म ब्रिटिश कालीन भारत के बंगाल राज्य में पोइल ग्राम में हुआ था, जो कि आज बांग्लादेश में है। उनका जन्म एक अमीर हिंदू वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिता रामचंद्र पाल एक विद्वान और छोटे मोटे जमींदार थे और उनके बेटे निरंजन पाल बॉम्बे टॉकीज के संस्थापक थे। बिपिन चंद्र पाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चर्च मिशन सोसाइटी कॉलेज से पूरी की, जो उस समय कोलकाता का एक प्रसिद्ध कॉलेज था। बिपिन चंद्र पाल भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के नाम से भी जाने जाते थे और साथ ही वे स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी नेता भी थे। बिपिन चंद्र पाल ने अपने क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में उनका महत्वपूर्ण हाथ था। उनकी तिकड़ी लाल बाल पाल इतिहास में बहुत प्रसिद्ध थी। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी सोच से पूरे देश के लोगों में एक क्रांतिकारी विचारधारा जगा दी और उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और हमेशा अंग्रेजों से सामना करते रहे। बिपिन चंद्र पाल ने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल मास्टर के रूप में की थी। उसके बाद उन्होंने कैलकाटा पब्लिक लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन का काम भी किया। वहाँ पर ही उनकी मुलाकात केशव चंद्र, शिवनाथ शास्त्री, बीके गोस्वामी और एसएन बैनर्जी से हुई। उनसे मिलने के बाद ही बाल गंगाधर तिलक एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और वहाँ से ही बाल गंगाधर तिलक, औरोबिंदो और लाला लाजपत राय की विचारधारा से जुड़ गए। बिपिन चंद्र पाल पेशे से एक जर्नलिस्ट भी थे, जो अपने जर्नलिज्म का यूज लोगों में पैट्रियोटिक फीलिंग और सोशल अवेयरनेस फैलाने में करते थे। बिपिन चंद्र पाल द डेमोक्रेट और द इंडिपेंडेंट के एडिटर भी थे। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्मो समाज का भी हिस्सा थे, जो कि हिंदुज्म में खराब प्रैक्टिसेस के खिलाफ आंदोलन करते थे, जिसकी वजह से उनके पिताजी ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। अपने पूरे जीवन काल में बिपिन चंद्र पाल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते रहे और अंत में 20 मई 1932 में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, भारत के और महान क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट करें इस वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।